गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज अ वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज। इस पीसीएस की वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि एक पीसीएस मेंस के अंदर आए हुए सवाल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट होता है, क्योंकि हमारी जो मेजर प्रॉब्लम आती है कि हम लोग इतने सारे नोट्स पढ़ते हैं, इतने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, लेकिन हम उसको ना एग्जामिनेशन से रिलेट नहीं कर पाते। तो देखो, जब तक एग्जामिनेशन से रिलेट नहीं कर पाओगे तब तक सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, सारी नॉलेज वेस्ट हो जाएगी। तो हमने देखना है कि कैसे कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर सकते हैं पेपर के साथ, किस प्रकार से सवाल आए हैं। और अगर देखो, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आने के साथ साथ जब हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो वो कौन से सारे पहलू हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होता है, कि स्ट्रक्चर क्या होता है कंटेंट की फॉर्मेट में और एक्स्ट्रा क्या जा सकता था। तो ये सारी चीजें हम आपकी कवर कर रहे हैं इस वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज के अंदर। ऑलराइट, देखिए, तो कौन से आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी से आया हुआ सवाल है, और सवाल है ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर। ये ड्रेनेज पैटर्न आप जरूर, जिसने तैयारी करी है उसने जरूर सुना होगा। तो क्वेश्चन में रीड करता हूं, ड्रेनेज पैटर्न इन पेनिनसुलर इंडिया इज अ रिजल्ट ऑफ इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड टॉपोग्राफी। तो ये कहता है, जो ड्रेनेज पैटर्न एक शब्द है जिसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा आपको, ये जो ड्रेनेज पैटर्न है ये दो चीजों से आउटकम है। ये कहता है कि दो प्रोसेसेस का इसमें रोल है, एक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, दूसरा है टॉपोग्राफी। इन दोनों की देन है ड्रेनेज पैटर्न। तो इसके ऊपर हमें 200 शब्दों में लिखना है, सवाल है 10 मार्क्स का। तो ड्रेनेज पैटर्न को पहले हम समझते हैं, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, जो कीवर्ड्स हैं इसके अंदर उसका ध्यान रखिए। ड्रेनेज पैटर्न एक जियोमेट्रिक अरेंजमेंट है। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है नदियां किस हिसाब से चलती है, किस दिशा में चलती है, और चलते वक्त उनकी कैसी दिशा होती है, कैसा कोर्स होता है, उसको ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। लोकल लेवल पे किस प्रकार का रॉक स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल पूछा है इन्होंने। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मीन्स रॉक टाइप क्या है, क्या वो सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जैसे रिवर चलेगी वैसे इग्नियस और मेटामॉर्फिक के ऊपर नहीं चलेगी। जैसे रिवर आप देखेंगे अलग अलग जियो रॉक टाइप, जैसे एक रॉक टाइप हो गया। दूसरा है कि रॉक के अंदर किस प्रकार से जॉइंट है, वहां पे रिवर के चलने का तरीका बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर रिवर अलग तरीके से चलेगी और इग्नियस रॉक के ऊपर अलग तरीके से चलेगी। रॉक में अगर किस प्रकार के ज्वाइंट है, सेडिमेंट्री में भी ज्वाइंट हो सकते हैं, इग्नियस में भी हो सकते हैं, अगर रॉक में ज्वाइंट है या नहीं है, इन दोनों के मुताबिक भी रिवर के चलने का तरीका बदल जाएगा। साथ ही साथ टोपोग्राफी बहुत ज्यादा गवर्न करेगी कि रिवर किस तरह से चलेगी। टोपोग्राफी का मतलब है एक बहुत हाईलैंडेड एरिया है तो वहां रिवर देखो इस दिशा में चलेगी, ऊपर से नीचे की तरफ। एक बहुत बड़ा टीला है, कोई टापू है, कोई प्लेट्यू है, उसमें रिवर चारों दिशाओं में निकलने लग जाएगी, क्योंकि ऊपर बारिश ज्यादा होगी प्लेट्यू के ऊपर और रिवर चारों दिशाओं में स्ट्रीम्स उससे निकलेंगी। लेकिन दूसरा तरीका हो सकता है कि वहां प्लेट्यू की जगह एक बहुत बड़ा एक गड्ढा हो, ठीक है, तो वहां पे रिवर के चलने का तरीका बदल जाएगा, वहां पे रिवर आके उसके अंदर गिर रही होगी। तो मीन्स टोपोग्राफी किस प्रकार का स्लोप है, कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई है, डिप्रेशन है, क्रेटर है, तो रिवर के चलने का तरीका अलग होगा। अगर कोई एक अपलैंडेड एरिया है वहां रिवर के चलने का तरीका अलग होगा। तो ये जो अलग अलग तरीके से रिवर चल रही है, इनके जो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट है, इसको बोला जाता है ड्रेनेज पैटर्न। और जैसा कि मैंने बताया, ड्रेनेज पैटर्न गवर्न बाय जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज द रॉक टाइप, एंड सेकेंड इज द टॉपोग्राफी। इन दोनों की मेजरली देन होता है। तो हमने जब इस शब्द इस क्वेश्चन को शुरू करना है तो डायरेक्टली हमने पेनिनसुलर रिवर की, पेनिनसुलर इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न को नहीं लिखना, हमने ड्रेनेज पैटर्न शब्द को समझाना है। तो दो लाइनें, तीन लाइनें इस शब्द को लिखेंगे विद एग्जाम्पल। तो इसमें एग्जाम्पल जो आपके होते हैं, कई सारे प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न है। अगर नदन इंडिया में देखेंगे जो गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, तो देखोगे गंगा एक बड़ी रिवर है, उसमें आके बहुत सारी रिवर, सैकड़ों रिवर इस तरह से आके उसकी ट्रिब्यूटरीज गिर रही हैं। तो ये इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जैसे एक रूट्स होती है ना प्लांट की, कभी रूट्स देखो तो रूट्स उसकी जो जड़ें हैं वो इस प्रकार से दिखती है। अगर एक टहनियों को देख लो, टहनियों में जो पत्ते हैं वो भी कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। या कभी एक छोटा सा लीफ को तोड़ो और उसमें पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। इसको बोला जाता है डेंड्राइटिक पैटर्न, डेंड्राइटिक पैटर्न। तो नदर्न इंडिया में इस प्रकार का पैटर्न बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, वर्ल्ड में जितने भी प्लेन्स हैं, चाहे वो चाइना के प्लेन्स हैं, चाहे मिसिसिपी मिजोरी रिवर के प्लेन्स हैं, तो जहां पर भी दुनिया में प्लेन्स हैं वहां पे डेंड्राइटिक पैटर्न बनेगा, क्योंकि डेंड्राइटिक पैटर्न को बनने के लिए चाहिए सिंपल सॉफ्ट रॉक्स। तो जहां पर भी एलुवियल डिपोजिशन हुआ होगा वहां इस प्रकार का पैटर्न बनने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। तो मीन्स ड्रेनेज पैटर्न इज द आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ड्रेनेज पैटर्न में आप एग्जाम्पल में डिटेल नहीं समझाना,
आपने नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल डेंड्राइटिक, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेनेज पैटर्न होता है जहां पे सेंटर पे एक सिंक बना होता है, एक डिप्रेशन बना होता है, एक क्रेटर बना होता है, और सारी नदियां इस क्रेटर के आसपास आके गिर जाती है। इस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम को बोला जाता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल, बीच में आके सारी नदियां गिर जाती है। ऐसा वहां पे होगा जहां पे वैली रीजन बना होगा। जैसे एग्जांपल आपने लोकतक लेक मणिपुर की सुनी होगी, लोकतक लेक में सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न बनता है। काठमांडू एक वैली है, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जहां पर भी वैली बनेगी वहां पे नदियां आके उसमें गिरने लगेंगी। तो इस प्रकार के पैटर्न को बोला जाएगा सेंट्रिपिटल पैटर्न। तो ये कुछ एक उदाहरण है ड्रेनेज पैटर्न के। अब हम पर्टिकुलरली, क्योंकि पेनिनसुलर के ऊपर क्वेश्चन है, तो हमने क्वेश्चन का रूपरेखा क्या होगी, द स्ट्रक्चर विल बी कि फर्स्टली यू विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, सेकंडली यू विल कोट सर्टेन एग्जांपल्स फ्रॉम ड्रेनेज पैटर्न, थर्ड लेवल पे आप पेनिनसुलर इंडिया में आओगे। यस, इन द पेनिनसुलर इंडिया वी कुड विटनेस मेजरली फोर टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ये कुछ उदाहरण है ड्रेनेज पैटर्न के जो आपके समक्ष दिख रहे हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। आपने पढ़े भी होंगे जिन्होंने तैयारी करी है। फिर आप जब पेनिनसुलर इंडिया की बात करोगे तो आप बोलोगे हाँ जी, पेनिनसुलर इंडिया में मुख्य तौर पर चार प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलते हैं। एक है रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, एक है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, एक है ट्रलाइज ड्रेनेज पैटर्न, फोर्थ वन इज रेक्टेंगुलर। इनको आप एटलीस्ट दो दो लाइनों में विद एग्जाम्पल कोट करेंगे। तो दिस वॉज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अलॉन्ग विद डायग्राम्स, क्योंकि ज्योग्राफी इज इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम्स, तो यू आर सपोज टू कोट सर्टेन डायग्राम्स हियर। तो यहाँ पे हम देखिए, ये इनके कुछ डायग्राम्स हैं जो आपके समक्ष हैं। ये पीपीटीज भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पंजाब सक्सेस मंत्रा में, वहां से आप इन पीपीटीज को डाउनलोड कर सकते हो जस्ट टू हैव अ क्विक लुक, ताकि आपको पता चले विजुअल इफेक्ट्स के साथ ज्योग्राफी पढ़ना क्या होता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न का मतलब होता है जनरली ये पैटर्न वहां देखने को मिलता है, मान लीजिए दो तरफ हाई रेज्ड रिजेस हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, रिज की फॉर्मेट में पहाड़ हैं, और सेंटर में एक रिफ्ट वैली है। ऑलराइट, तो ये पैटर्न वहां पे देखने को मिलता है जहां पे ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। जनरली ये पैटर्न वहां पे हमें देखने को मिलता है जहां सेंटर में रिफ्ट वैली है। हिंदुस्तान में इसके एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो हमारी दो मेजर रिवर्स हैं, एक है नर्मदा एक है तापी, जो रिफ्ट वैली में चलती है। और नर्मदा, जैसे फर्स्ट वन इज नर्मदा, नर्मदा के दोनों तरफ, एक तरफ विंध्याचल रेंज है और साउथ में सतपुड़ा रेंज है, तो इन विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है। तो इस फ्लोइंग रिवर को आप बोलोगे ट्रेलिस पैटर्न, क्योंकि इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ट्रिब्यूटरीज आके इस तरह से इस पे गिर रही होंगी। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ट्रेलिस पैटर्न, कि सेंटर में रिफ्ट वैली बनी हुई है और दोनों तरफ हाईलैंडेड पार्ट है और सारी ट्रिब्यूटरीज। ये डायग्राम थोड़ा सा गलत इसके साथ कोरिलेट हो रहा है। दिस इज द डायग्राम फॉर रेडियल पैटर्न, उसको मैं बाद में समझा दूंगा, अभी ट्रेलिस को आप समझ लीजिए। तो ट्रेलिस के अंदर सेंटर पे रिफ्ट वैली, एक रिफ्ट वैली होगी, उस रिफ्ट वैली में एक रिवर चलेगी, उस रिवर की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ट्रिब्यूटरीज दोनों साइड वाले अपलैंडेड पार्ट से, दोनों ब्लॉक माउंटेन से आके उसमें डायरेक्टली 90 डिग्री पे गिरेंगे। तो एंगल इज इंपॉर्टेंट हियर। तो क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो अरेंजमेंट है, these arrangement are because of the topography. तो आप देखोगे टॉपोग्राफी क्या है यहाँ पे, कि रिजेस के सेंटर में आके एक रिवर चल रही जिसपे सारी ट्रिब्यूटरीज गिर रही है। तो इस प्रकार से पैटर्न जो देखने को मिलता है उसको बोला जाता है ट्रेलिस पैटर्न, और ट्रिब्यूटरीज ऑलमोस्ट 90 डिग्री में एंटर करती है। एग्जाम्पल क्या है हिंदुस्तान में, क्योंकि पेनिनसुलर पूछा, एग्जाम्पल बोलो कि दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज विटनेस्ड इन द वैलीज ऑफ नर्मदा एंड इन द वैलीज ऑफ नर्मदा एंड तापी रिवर। ऑलराइट, और इसका एक उदाहरण देखो, कभी भी जब डायरेक्टली आके ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी उनकी लेंथ कभी भी ज्यादा नहीं होगी। यही कारण है नर्मदा और तापी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी लेंथ शॉर्ट होती है, क्योंकि नियर माउंटेन्स आके डायरेक्टली वो गिर जाती है। अगर आप देखोगे नाइल रिवर भी रिफ्ट वैली में ही चल रही है, तो वहां पर भी ट्रेलिस पैटर्न देखने को मिलता है। क्लियर, तो दिस वॉज अबाउट दी ट्रेलिस पैटर्न, जो कि एक पैटर्न है पेनिनसुलर इंडिया का। आप विद एग्जांपल इसको कोट करोगे मार्क्स लेने के लिए अलॉन्ग विद अ डायग्राम। सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न इज पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है जब सारी ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिलता है जब आप देखोगे दीज आर वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट से दो दिशाओं में नदियां निकलती हैं। मेजर रिवर्स इस दिशा में निकलती है ईस्टर्न साइड पे। मेजर रिवर्स के एग्जांपल आपको पता ही है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी रिवर है, वगई रिवर है, ये सारी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है और बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है।
दूसरी सेट ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। ये रिवर बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती क्योंकि ये कोस्टल प्लेन्स को ही जस्ट क्रॉस करके अरेबियन सी में गिर जाती हैं। ऐसी रिवर अगर एक दूसरे के पैरेलल चली आ रही है और सीरीज में पैरेलल रिवर्स हैं तो यू विल से पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिला। बिकॉज क्यों बना है ये पैटर्न, अगर आपको दिखेगा तो ये है टॉपोग्राफी के कारण ऐसा पैटर्न देखने को हमको मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल इन इन केरला देयर आर 43 रिवर्स एंड आउट ऑफ 43 रिवर्स 41 रिवर्स आर ईस्ट सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। 41 आउट ऑफ 43 वेस्ट फ्लोइंग मींस दीज आर फॉलिंग इन दी अरेबियन सी। तो ऐसे रिवर एक दूसरे के साथ पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। ठीक, तो इसमें आप केरला का एग्जाम्पल को कोट करोगे। थर्ड आप देखेंगे जो हमने करना था ट्रेलिस, हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये ट्रेलिस का जो मैं आपको उदाहरण दिखा रहा था ये उसका डायग्राम आ जाएगा ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का, जिसमें सेंटर पे एक बड़ी रिवर चल रही है ये जो आप देखेंगे रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, और उसके दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो रिवर्स आके इसके अंदर फॉल कर रही है। तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल है और दोनों तरफ से थोड़ा सा हाईलैंडेड पार्ट है और सेंटर पे एक सिंक बना हुआ है जिसपे रिवर्स आके फॉल कर रही है। क्लियर, तो दिस वॉज ट्रेलिस पैटर्न। रेडियल पैटर्न यहाँ पे समझ लीजिए क्योंकि रेडियल हमने पहले लिखा था। रेडियल का मतलब होता है सेंटर पे एक अपलैंडेड पार्ट है, रिवर्स इससे चारों दिशा में। अपलैंडेड पार्ट एक छोटा सा पहाड़ या टीला नहीं होगा, ये कोई हाईलैंडेड प्लेट्यू होगा जिसके तीनों तरफ चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में रिवर्स निकल के गिर रही है। तो ये रेडियल पैटर्न, रेडियल मीन्स बाहर की तरफ, रेडियस की तरफ बाहर निकलना, सेंट्रीफ्यूगल बाहर को निकलना, तो रेडियल पैटर्न सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न कहते हैं, टोपोग्राफी के कारण ड्रिवन है। एग्जाम्पल हिंदुस्तान में देखो, हर पैटर्न में आपको एग्जाम्पल कोट करने पड़ेंगे अगर मार्क्स गेन करने हैं। तो हिंदुस्तान में अगर इसका एग्जाम्पल लें, जैसे इंडिया में यहाँ पे एक प्लेट्यू है बहुत फेमस है, प्लेट्यू का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक प्लेट्यू जो है छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। इस अमरकंटक प्लेट्यू से तीन नदियां निकलती हैं और ये तीनों डिफरेंट दिशाओं में जाती हैं। एक नदी जो ईस्टर्न डायरेक्शन में जाती है ये बहुत पॉपुलर नदी है जिसको बोला जाता है महानदी रिवर। नदन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको बोला जाता है सोन रिवर, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो पटना के पास में मीट करती है। एक वेस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है बहुत फेमस है जिसका नाम है नर्मदा। तो ये जो तीन रिवर है सोन नर्मदा एंड महानदी, दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी अमरकंटक प्लेट्यू और इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यहां से रेडियली ये बाहर की तरफ निकल रही है और अलग अलग दिशाओं में निकल रही है। तो पेनिनसुलर इंडिया में आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ हमारे ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलते हैं। लास्ट वन इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर काफी हद तक देखने में लगता है ट्रेलिस जैसा क्योंकि इसमें जो मेन रिवर होती है बाकी ट्रिब्यूटरीज उससे 90 डिग्री पे आके ही मीट करी। देखिए एंगल इज 90 डिग्री। तो अब इसमें और ट्रेलाइस में फर्क क्या है, वहां पर भी 90 में गिरती थी मेन रिवर के अंदर ट्रिब्यूटरीज और यहां पर भी मेन रिवर में 90 डिग्री पे ट्रिब्यूटरीज मीट कर रही है। दोनों में जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे जो ये 90 का एंगल बना है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रॉक टाइप। इस चीज को लिख लीजिए रॉक टाइप। रॉक टाइप का मतलब है क्योंकि यहाँ पे रॉक्स आर वेल जॉइंटेड। वेल जॉइंटेड मीन्स उसके अंदर बहुत सारे जॉइंट हैं और रॉक आर इज वेरी हार्ड, क्योंकि वेरी हार्ड है इसको रिवर नहीं काट पाती। वेरी हार्ड मीन्स बेसिकली ये जो रॉक है ये इग्नियस रॉक है क्योंकि ये हार्ड रॉक है, तो जहां पे जॉइंट है रिवर उसी जॉइंट के अंदर फ्लो करती है, इसलिए यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है। सेडिमेंट्री माउंटेन में जब रिवर चलेगी, क्योंकि सेडिमेंट्री सॉफ्ट है तो रिवर कुछ इस ऐसे भी चल सकती है, साइनस कोर्स ले सकती है रिवर, लेकिन क्योंकि जब रॉक्स बहुत हार्ड होते हैं तो रिवर इस तरह से बेंडिंग और कटिंग नहीं कर सकते, रिवर विल गो स्ट्रेट। तो मींस जहां जहां पे इग्नियस रॉक है वहां पे साइनस कोर्स ऑफ रिवर अलाउ नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसे रिवर में जहां ज्वाइंट होंगे उन्हीं ज्वाइंट में रिवर फ्लो करती है। ऐसा देखने को हिंदुस्तान में मिलता है। आपको पता है सदर्न इंडिया में इग्नियस प्लेट्यू एक ही जगह पे इंडिया में देखने को मिलता है जहां पर है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में जो रिवर्स चलेंगी वहां पे जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो होगा रेक्टेंगुलर, मीन्स जहां पे ट्रिब्यूटरीज ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे मेन रिवर को ज्वाइन करेंगी और ट्रिब्यूटरीज वहीं पे चलेंगी, पानी वहीं पे बहेगा जहां पे ज्वाइंट होगा। तो ज्वाइंट क्योंकि ऑलमोस्ट 90 डिग्री में जाके मीट करता है। तो इस तरह से हमने चार ड्रेनेज पैटर्न देखे इस पेनिनसुलर इंडिया के, जो कि पूछा भी गया था। एक है हमारा ट्रेलाइस, एक है रेडियल, एक है पैरेलल और लास्ट वन वाज रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर बाकी जो तीन ड्रेनेज पैटर्न पड़े वो हमने मोस्टली बिकॉज ऑफ द टॉपोग्राफिकली ड्रिवन थे।
ये जो लास्ट रेक्टेंगुलर है दिस इज ड्रिवन बाय द रॉक टाइप, और यही आपके पेपर के सवाल में पूछा गया। तो इस तरह से आपने, फिर से मैं स्ट्रक्चर बताता हूं क्योंकि पीसेस में सवालों में स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज सबको है, उस नॉलेज को प्रेजेंट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मींस एक इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के अंदर आप बताओगे कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, फिर आप उसके कुछ उदाहरण दोगे, एग्जाम्पल दोगे, फिर आप सेकंड पार्ट में आओगे जिसमें उन्होंने पूछा है कि पेनिनसुलर इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न बताओ, तो आप बोलोगे पेनिनसुलर इंडिया में मुख्य तौर पर चार ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलते हैं, जिन चारों के आप नाम बताओगे। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैंने एक ट्री डायग्राम बनाया, सेंटर पे लिखा ड्रेनेज पैटर्न इन पेनिनसुलर इंडिया, उसकी चार ब्रांचेस बना दी। तो ये इनोवेटिव वे से आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर इन चारों के बारे में लिखा और डायग्राम बनाया। तो दिस वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप इतना भी कर लोगे तो आराम से आपको 10 में से 6-7 मार्क्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कंसर्न नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा हुआ है, वहां पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर सीरीज चल रही है आरंभ, जिसमें नियरली 1500 स्टूडेंट्स एनरोल हैं, जिसमें हम 6th to 10th क्लास की एनसीईआरटी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं। जो भी आपके पंजाब के इंपॉर्टेंट एग्जाम है, चाहे वो पीसेस है, नायब तहसीलदार है, चाहे वो कॉपरेटिव इंस्पेक्टर है, या अन्य कोई भी एग्जाम आपने अपियर होना है, तो एनसीईआरटी आर दी बेसिक बिल्डिंग फाउंडेशनल ब्लॉक, उनको जरूर आपको जो है एक मैक्रो ऑब्जेक्टिव से पढ़ना चाहिए। तो वो एनसीईआरटी की सीरीज है, हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए पंजाब सक्सेस मंत्र, उस ऐप के थ्रू ये लेक्चर्स एक्सेसिबल हैं, लेक्चर्स के साथ नोट्स दिए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। ऑलराइट जी, चलिए, थैंक्स अ लॉट।